कांग्रेस की मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हल्ला मचाने का काम करती है, वहीं पोषण आहार मामले में आपके उठाए सवालों का भी गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी खुद पहले ही कटघरे में है। आपके सीएम और डिप्टी सीएम शराब घोटाले में कंठ तक डूबे हुए हैं। वहीं पीएम मोदी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने जानकारियां दी। वहीं राजपथ का नाम पर कांग्रेस की आपत्ति पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता राजा रजवाड़ों की है, कांग्रेस डेमोक्रेटिक में विश्वास नहीं रखता, जिसको हटाया है और ये गुलामी की मानसिकता से कांग्रेस कभी उभर नहीं सकती और इसलिए उभरना चाहिए। राजपथ नहीं, लोकपथ, और लोकपथ के लिए कर्तव्य पथ, और इसलिए कर्तव्य पथ उसका नाम दिया है। असंख्य भारतीयों का बलिदान जिस देश के लिए हुआ वो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि इसका कर्तव्य पथ नाम रख देने से होगा। ये गुलामी का प्रतीक है और गुलामी का प्रतीक अभी भी आपने देखा होगा जो जहाज पैसे उन्होंने झंडा बदलवा के भारत का झंडा किया, वो गुलामी का ही प्रतीक था जिसको हटाया है। और ये गुलामी की मानसिकता से कांग्रेस कभी उभर नहीं सकती और इसलिए उभरना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान श्रवण कुमार की भूमिका में, हम तीर्थ दर्शन तीर्थ यात्रा करा रहे हैं अपनी जनता को, और एक वो है जो पदयात्रा खुद के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। ये दो फर्क है कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की। अमित शाह जी मध्य प्रदेश में आए थे, पूरी चिंता की गई थी, कोई चूक नहीं हुई, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव का दिन है, गौरव के क्षण है, और इसलिए यहाँ भी कोई चूक नहीं होगी, इस तरह की चिंता करना ठीक नहीं। अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव आया नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी है कटघरे में। आप पहले दिन से शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कंठ तक डूब गए और फंस गए। अब वो विषयांतर करना चाहते हैं। आपने देखा होगा पहले दिन से शराब के जैसे वो पकड़ में आया विषय और मामला सिद्ध हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमको लालच दिया जा रहा था उप मुख्यमंत्री को शामिल करने के लिए, सरकार गिराने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी दिन कहा कि हमारे विधायकों को 50-50 करोड़ के ऑफर दिए गए। फिर उन्होंने ये विषयांतर किया, पोषण आहार पे हमने एक एक बात कल बता दी कि कहीं कोई गलती नहीं है और ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। ये हमसे सवाल किए गए हैं जिनके जवाब हम दे रहे हैं और उसमें कोई अनियमितता नहीं है। आप हमारी बात कर रहे हो, आप अपने शराब के जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हम अपना जवाब देने के लिए तैयार है ना। ये विषयांतर की कोशिश है, आकंठ डूबे हैं शराब में, इसलिए देश में विषयांतर कर रहे हैं।